आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, लोग पूछते रहते हैं कि अवतार होते क्या हैं और होते क्यों हैं अवतार, लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, और भी अवतार के संबंध में बहुत सारे सवाल लोग पूछते रहते हैं। तो मित्रों, हम आपके लिए लाए हैं 10 तथ्य जिन्हें सुनने के बाद आपके बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे शंकाओं का जवाब मिल जाएगा। तो मित्रों, आरंभ करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो प्लीज अभी बन जाइए और हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। और लीजिए, हम नंबर 10 से शुरू करते हैं। श्री कल्कि भगवान 2090 ईस्वी तक शरीर में रहेंगे और विश्व को एक राष्ट्र तथा धर्म को विज्ञान का स्वरूप देने के पश्चात संसार से भौतिक रूप से विदा हो जाएंगे। यह तथ्य नंबर 10। अब तथ्य नंबर 9, श्री अवतार सबको मौका देना चाहते हैं कि आप युग को बदलने में सहयोग दीजिए। और भाई, जो सबसे बड़ा नेता होगा, जिसकी भूमिका सबसे बड़ी होगी, वही होगा अवतार। वे खुद के अवतार होने का दावा भी नहीं कर रहे, वे तो आपके लिए भी एक दे रहे हैं मौका, अवसर। आप भी बढ़ो। यदि आप ही सबसे बड़े अगुआ नेता हुए साबित, तो आपको ही माना जाएगा। मित्रों, नंबर 8, बहुत सारे पिछले युगों में व्यक्ति को अवतार माना जाता था, लेकिन अभी जो है वर्तमान युग, यहां पर संघे शक्ति की बात है। यहां व्यक्ति नहीं, संगठन, संघ, समूह, विचारधारा ही अवतार कही जाएगी। नंबर 7, मुख्य 10 अवतार माने जाते हैं। 10 में 9 हो चुके हैं, 10वां होने वाला है, जिन्हें ही आप कहते हैं श्री कल्कि अवतार। नंबर 6, 10 अवतारों के नाम हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा, कल्कि। और नंबर 5, हमारे शास्त्रों में 24 अवतारों की चर्चा है, लेकिन कहीं यह भी चर्चा है कि भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत नाम हैं, अनंत अनंत सब कुछ है उनका। मित्रों, नंबर 4, भगवान, संपूर्ण भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते, जब भी जन्म लेता है तो उनका एक भाग, अंश ही जन्म लेता है। अपूर्ण भगवान ही जन्म ले सकता है। और नंबर 3, सर्वव्यापी निराकार शक्ति ऊर्जा युग विशेष में जिस शरीर के द्वारा सर्वाधिक अभिव्यक्त होती है, उसी शरीर को नाम दिया जाता है अवतार का। नंबर 3, विष्णु माने पालक, पोषक, संरक्षक तत्व, शक्ति, गुण, ऊर्जा, जो कि संपूर्ण सृष्टि में समाई हुई है और उसके बिना सृष्टि की कल्पना ही संभव नहीं। नंबर 2, सृष्टि में हर क्षण रचना, स्थिति, संहार की क्रिया होती रहती है, हर क्षण, हर पल। रचना शक्ति को कहते हैं ब्रह्मा, और पालन पोषण, संरक्षण, स्थिति की जो शक्ति है, इसे कहते हैं विष्णु। और संहार, रूपांतरण की जो शक्ति है, इसका नाम है महेश। यहां अवतार का मतलब श्री विष्णु भगवान के ही अवतार से है, अन्य शक्तियों के अवतार की चर्चा
नहीं की जा रही है। तो मित्रों, ये थे हमारे 10 तथ्य, आपने सुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।